हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी एनआईयूएस विजन पॉइंट। मैं हूं आपके साथ आपकी केपी मैम, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, आपकी मेंटर। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का ये है लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने पहले 2 लेक्चर देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देखिए, सो दैट आप एक कंटिन्यूएशन में रहें और कनेक्टेड फील करें और इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो हम लोग बात कर रहे थे मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था मॉड्यूल का नाम, और चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था एटम मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल एरिथमेटिक। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए क्विक इसको स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कि जो भी आप लगभग आधे घंटे जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उसमें आप क्या सीखने वाले हैं। तो आज का जो सेशन का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम आज जानेंगे कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं, क्या स्टोरी है एटॉमिक मास की, और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, क्या दोनों एक होते हैं या कुछ डिफरेंस है। तो वो सारी चीज़ें आप जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड करते देखते जाओगे, चीज़ों को समझते जाओगे। फिर आते हैं मॉलिकुलर मास क्या है, फॉर्मूला मास क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए 1 by 1 इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आपको अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रख लेना है और वीडियो देखना है, और साथ ही साथ चीज़ों को नोट भी करते रहना है। बस वीडियो देख लेना ही काफी नहीं होता है, आप उसका रेगुलर नोट भी बनाइए, सो दैट आप चीजों को समझ सको। जब आप देखते हो और लिखते हो तो वो चीजें आपके दिमाग में और बेहतर तरीके से फिट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये बेसिकली आपके एनआईओएस फोरम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हम लोग आपके लिए विजन पॉइंट जो लेके आ रहा है वो डेडिकेटेड स्लॉट लेके आ रहा है, जहां पे हम एनआईओएस के बच्चों को ध्यान देके उसी के चैप्टर का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो हमने जाना कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, आपका एटम। ठीक है, तो हमने जाना था कि आपके एलिमेंट्स अभी तक जितने नॉन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, आपके लगभग 18 आपके नॉन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 118 आपके एलिमेंट्स हैं जिनको आप जानते हो। ठीक है, एलिमेंट्स यानी कि प्योर सब्सटेंस जो आप क्या कर सकते हो, फर्दर डिवाइड या क्या कर सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो और ज़्यादा उसको सिंपल सब्सटेंस में आप तोड़ नहीं सकते केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, और तरीके हैं जिसमें वो अलग एक डायमेंशन चला जाएगा, बट समझने के लिए आप जान लीजिए कि 118 एलिमेंट है और इसको हम लोग जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम एक एटम की ही बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास मतलब क्या हो जाएगा, एटम का मास। ठीक है, तो एटम का मास तो हो गया, पर इसको समझते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, तो एटॉमिक मास की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ये है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, दैट इज C12 एटम। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या जाना, इसका मतलब सिंपल सा फंडा जो है जो आपको समझना है वो ये है कि एटॉमिक मास जब हम कंपेयर करते हैं तो वो किसी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर हमें केजी में अगर हम बात करें, कोई सामान आप लेने चले, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बाट आपने देखा होगा कि 1 kg का बाट होता है। ठीक है, अगर आपने 1 kg कोई चीज़ लिया, अगर आपको 2 kg चाहिए तो वो क्या करेगा, 1 kg का 2 kg का रखेगा, फिर एक बाट, फिर 1 kg वाला दूसरा रखेगा, और फिर बाद में क्या करते हो, आप उसको बैलेंस करते हो, चीज़ों को ऐसे ही खरीदते हो। ठीक है, आप आसपास देखा होगा, देखो केमिस्ट्री कितनी आपके आसपास के लाइफ से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब अगर हम एटम की मास की बात करते हैं तो वो आपका किससे रिलेटेड है, तो उसको हमें समझने के लिए हमने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लिया है वो क्या है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, और वन कार्बन एटम का कौन सा आइसोटोप आप लोगे यहाँ पे, क्या है, C12। तो ये C12 क्यों लिखा गया है, ठीक है, तो बच्चे ये होता है क्या कि C12 का कार्बन का, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आइसोटोप कार्बन के अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो क्या है, 6 है। ठीक है, पर अगर इसकी मास की बात करें तो ये क्या है, नॉर्मल तो 12 जो आपको मिलता है, 13 होता है, और एक क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, तो ऐसे स्पीशीज, यहाँ से एक और चीज़ आप जानने को आपको मिलेगा कि ऐसे स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट क्या, डिफरेंट
मास नंबर, जिनका मास नंबर अलग होता है, ऐसे स्पीशीज को हम जानते हैं आइसोटोप्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, क्या नाम जानते हैं उनको? आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्बन का कौन सा लेना है? हमें C12 लेना है। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज़ यहाँ पे पता चल गई, और आइसोटोप क्या होते हैं वो भी यहाँ पे आपने जान लिया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मास की, एटॉमिक मास की, तो हम क्या करेंगे, 1/12 द मास ऑफ कार्बन, 12 एटम से हम इसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 1 AMU आपको याद रखना है, अगर आपके MCQ में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 AMU बराबर कितना होता है, तो 1 AMU जो होता है it is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम जो होता है, इसी को आपने क्या है, 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हो। ठीक है, तो अब अगर हमें किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास जानना होगा तो हम क्या कर लेंगे, इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल भी जानो, जैसे हाइड्रोजन का ही मास निकाल रहे हो, ठीक है, तो जो अभी आपका मास अगर आप निकालते हो किसी का, तो अभी हमने बताया जो मास होगा वो क्या होगा, इन कंपैरिजन जो होगा वो मास होगा, एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और अपॉन किस में होगा, 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, यही आप लिखते हो। ठीक है, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम से आप क्या करते हो, इसको रिलेट करते हो। ठीक है, तो यही आपका क्या, आप इसको मास को निकालते हो। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, अगर हमें मास निकालना है AMU में, तो वो कैसे निकलेगा, तो हाइड्रोजन का जो मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कितना है, 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है, तो अगर आप इसको कंपेयर कर लोगे, ठीक है, कंपेयर कर लोगे, तो यहाँ पे देखिए ये ग्राम है, इसको हमने क्या किया, 10⁻², और यहाँ पे भी क्या है, 10⁻², तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो कितना आता है, वो लगभग आता है 1.0080 AMU। ठीक है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए AMU का मतलब ही क्या है, इतना होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी का भी एटॉमिक मास निकालते हो, तो उसकी यूनिट जो आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, AMU लिखते हो। अब जो आप है, या फिर आप क्या लिखोगे, U, जहाँ पे U जो होता है, इट इज़ नोन एज यूनिफाइड मास। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको ऑक्सीजन का मास निकालना है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है आपका 16U आप लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 14U हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी और मेटल का, तो कार्बन का है, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, 12U हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका किसी भी एटम का जो मास होता है, उसी को आप क्या कहते हो, एटॉमिक मास के नाम से जानते हो। और किसके कंपैरिजन में हम इसको निकालते हैं, 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट हम क्या जानेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यही हमारा जो चल रहा था। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल जरा हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंबल की अगर हम बात करें, तो किसी भी एलिमेंट को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सिंबल के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो बीच में आप लिखते हो एलिमेंट का नाम। ठीक है, और जो ये 6 लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन एटम का, तो आपने लिखा हुआ देखा होगा कि ये जो नीचे 6 लिखा रहता है, इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और या फिर नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको अभी मैं जो आपको एक्सप्लेन करूँगी, वो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, समझना क्या है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा रहता है वो होता है आपका मास नंबर, या इसी को आप क्या कहते हो, एटॉमिक मास कहते हो, और बीच में हो गया सिंबल। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स हो गया, यहाँ पे हमने लिख लिया ए, और ये हो गया जेड। ठीक है, तो ये आपका करंट नोटेशन है, इस तरह से भी आप लिखा हुआ देखोगे, या फिर आप देखोगे कि एक्स लिखा हुआ है, नीचे जेड, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो जेड है, ये जेड जिसको हमने क्या कहा, जेड का मतलब हमने कहा कि ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर आपको किसी भी एलिमेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो वो बताता है आपको कि नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं।
ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ये बताता है, और अगर ये इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये आपको ये भी बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और एटम आपका क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशीज है। ठीक है, न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, उसके सेम होंगे, तो इसी वजह से जो जेड है आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देता है। तो मेन हम लोग जो ध्यान देते हैं वो क्या है, एटॉमिक नंबर जो है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन की नंबर जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट जो है मास नंबर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए। ए जो होता है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इससे आप बताते हो कि उसका मास नंबर क्या है या उसका वेट जो है वो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये आपका क्या बता रहा है, ये आपको मास बता रहा है, और नीचे वाला जो है ये लिखा हुआ ये आपको एटॉमिक नंबर बता रहा है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन अगर आपको बताना होगा तो क्या कर दोगे, ए माइनस जेड, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप न्यूट्रॉन्स भी निकाल लेते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन हो गए, ये सारे क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो आपके एटम्स के अंदर होते हैं, जिसके वजह से जो डाल्टन की थ्योरी थी वो क्या होगी, लड़खड़ा गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एटम तो डिवाइड नहीं हो सकता, पर एटम्स के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा है, जो आपके न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें आप इस सब के बारे में डिटेल पढ़ोगे। ठीक है, अब मूव करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास आपने समझ लिया, जिसको हम कंपेयर करते हैं 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आइसोटोप किस चिड़िया को कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप का कॉन्सेप्ट क्या था, तो आपने जाना कि आइसोटोप का मतलब ये होता है कि इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो मास नंबर क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, मास क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन अलग हो जाता है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के 3 आइसोटोप पॉसिबल हैं। पॉसिबल का मतलब कि हमारे नेचर में प्रेजेंट है, जिनको हमने खोज रखा है। तो पहला जो आइसोटोप है वो क्या है, C12, यानी कि मास जिसका क्या है, 12 है, दूसरा 13 और ये 14। तो इसकी खूबी एक बात और आप जान लो कि इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो वाली डेटिंग नहीं, कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या होता है, आप क्या पता करते हो कि कोई भी चीज़ या कोई भी जो आपका सामान है वो कितना पुराना है, उसकी एज क्या है, एज डिटरमाइन आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, एज को डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कार्बन 14 के थ्रू ही आप क्या करते हो, एज को डिटरमाइन करते हो, तो इसका यूज़ होता है वहाँ पे। ठीक है, तो आते हैं हमारे एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो ये जो है ये 3 आइसोटोप्स हैं, यानी नेचर में ये आपके प्रेजेंट है। तो बात करते हैं इसकी, अगर हम प्रेजेंस देखते हैं तो वो लगभग 98% के आसपास आपके नेचर में पाया जाता है। कार्बन जो 13 है उसकी प्रेजेंस बहुत ही कम जाती है, 0.01 के आसपास है, और जो ये वाला है ये तो वेरी रेयर, रेयर का मतलब है ये क्या, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, रेडियो एक्टिव होता है। इसकी लाइफ क्या है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, और इसकी लाइफ जो है वो बहुत ही कम होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, जो भी रेडियो एक्टिव होते हैं वो बनते हैं तुरंत गायब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी लाइफ भी बहुत कम है, तो ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमें एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, क्योंकि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में बस कार्बन 12 नहीं प्रेजेंट है, और भी इसके अलग अलग मास में प्रेजेंस है, जिसको हमने आइसोटोप कहा। ठीक है, तो उसी लिए हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यू, अभी मैंने आपको नोटेशन बताया कि x अपॉन, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, z, और यहाँ पे a, ये जो मास यहाँ पे लिखी रहती है वो आपकी क्या होती है, एवरेज एटॉमिक मास लिखी रहती है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला, अगर हमें किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है, जो भी आपका मास दिया है, इनटू उसकी परसेंटेज, जिस परसेंटेज में वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और अपॉन सबको ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर परसेंटेज में है तो इसको पॉइंट में लिखोगे तो क्या होगा, 0.98 इंटू 12, और ये जो 13 वाला है उसकी प्रेजेंस इतनी है, और
इन प्लस 2 × 10 की पावर, ये -12 है, इसको यहाँ पे कर देते हैं, क्या है ये 10 की पावर -12, यानी बहुत ही कम प्रेजेंस है, और इनटू 14, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका जो परसेंटेज ओवरऑल जो मास आता है कार्बन का वो कितना आता है 12.011, जिसको आप नियरली कितना लिखते हो 12U लिखते हो, ठीक है, क्या लिखते हो 12U के नियरली लिखते हो। पर एग्जैक्ट अगर हम बात करें जो कार्बन का मास होता है वो कितना होता है 12.011 AMU या U से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एवरेज एटॉमिक मास आप निकाल सकते हो। अपॉन ये परसेंटेज अगर आप करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसीलिए ये आंसर जो आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं कि एक क्वेश्चन भी करते हैं जिसपे हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं जो आपके नेचर में प्रेजेंट हैं। पहला जो क्लोरीन होता है दैट इज Cl, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 17, और इसकी मास क्या हो जाएगी 35। दूसरा जो क्लोरीन है वो क्या है, क्लोरीन 17, और पर इसका मास क्या है वो है आपका 37, ठीक है। तो ये 2 तरह के आइसोटोप्स क्लोरीन के पॉसिबल हैं जो आपके नेचर में आपको मिलते हैं। अगर इनकी प्रेजेंस की बात की जाए कि ये किस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये लगभग 3:1 की रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3:1 के रेशियो का मतलब ये कि ये 75% और ये 25%, ठीक है। तो अगर इसका आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, तो आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो अभी अभी हमने सीखा, और अभी आप इसको करोगे तो और अच्छे से सीख जाओगे। तो आपको क्या करना है कि क्या इसकी प्रेजेंस है, इसका रेशियो क्या है, तो रेशियो इसका जो प्रेजेंस है वो क्या है 3, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है इसकी, एटॉमिक मास किसकी 35, तो इनटू 35 प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1, 1 रेशियो में कौन प्रेजेंट है, कौन सा मास वाला 37, ठीक है, और अपॉन में आप कर दोगे इस रेशियो को ऐड, यानी कि 3+1, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर यहाँ पे आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा 35.5, और ये हम इसको क्या लिख देंगे AMU। तो आपका जो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास जो क्लोरीन का आता है वो क्या आता है 35.5, और इसी को आप लेते हो। पहले हम क्या 35 लेते थे, बट अभी जो आप लेते हो, जो ध्यान रखना है वो क्या है 35.5 जो होता है वो होता है इसका एटॉमिक मास। कैसे निकाला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के अगर आपसे एवरेज एटॉमिक मास पे क्वेश्चन रहेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी हमने जाना क्या कि एटम्स का मास इज नोन एज एटॉमिक मास। अब ऐसे ही आपको मॉलिकुलर मास को समझना है, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कब बनेंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने एटॉमिक मास में अप्लाई किया था, कि एटॉमिक मास जो होते हैं, हम मास को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस या कंपेरिजन करते हैं कार्बन के 1/12 मास पे, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं मॉलिकुलर मास की, तो इसको अगर आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो क्या पता चल रहा है, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल बनाए तो एटम से मिलके बनाए, और एटम क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। तो इसका मतलब आपने क्या पढ़ा समझा यहाँ से, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जितने भी एटम से वो मिलके बना है, उसकी जो भी एटॉमिक मास है उसको आप ऐड करोगे, तब आपका क्या बन जाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। इट इज ऑब्टेन्ड, कैसे बनेगा ये, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम। ऑब्वियसली अगर कोई एक कंपाउंड है जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो क्या करोगे, एक ऑक्सीजन का वेट क्या हो जाएगा 16, तो 2×16 कर दोगे एंड एडिंग टुगेदर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, मॉलिक्यूलर मास को निकालते हो, ठीक है। तो सबसे सिंपल और प्यारा एग्जांपल जो हम लेंगे वो है पानी का, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का अगर हम वेट देखते हैं, तो 1 का हाइड्रोजन का जो वेट है वो क्या है, 1 है। तो अगर 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे इसको, ठीक है। तो 1×2, तो ये आ जाएगा कितना आपका, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है और उसका वेट कितना होता है 16, तो 2+16 आपका क्या आ जाएगा, 18.0। ज़्यादा स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 18.02 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, वरना अगर आप सिंपल करते हो तो हाइड्रोजन आपका क्या आ जाएगा 2, ऑक्सीजन 16, और ये आ जाएगा आपका 18U लिख सकते हो, ठीक है। यू आप लिख दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास हो जाएगा। अब ये जो ग्राम पर मोल है, इसको समझने के लिए हम लोग अभी जब मोल की बात समझेंगे तब आप इसको समझोगे कि ये ग्राम पर मोल क्या है,
क्या ये दोनों सेम है या अलग है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल को अगर आप देखते हो, एक और एग्जांपल अगर हम लें, तो ये है आपका मीथेन गैस। ये वही गैस है जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसके लिए जिम्मेदार है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कार्बन क्या है, एक है, इसीलिए 12 पॉइंट ये लिखा गया है। और कितने 4 आपके क्या है, हाइड्रोजन है, 4 इंटू हाइड्रोजन का मास। और जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 यू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर वाटर की भी बात करोगे तो वही अभी हमने देखा है, 18.02 यू आ जाएगा। अब आपके पास कोई और भी अगर है तो उसका भी आप निकाल सकते हो। तो वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले अमोनिया NH3, तो जल्दी से आप लोग भी निकालिए और मैं देखती हूँ कि आप लोग इसे निकाल पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो अभी इसके अगर निकालोगे तो नाइट्रोजन का मास क्या है, इसके लिए आपको मास याद होना चाहिए तभी आप इसको निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा आप क्या करना है, जो 20 तक है उनको जरूर याद रखिए, ठीक है। बाकी अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें एक नाइट्रोजन है प्लस 3 आपके क्या है, हाइड्रोजन है। सबसे पहले अगर आपको मॉलिकुलर मास निकालना है, ऐसे कर लीजिए, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का 14 है, 3 × 1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 17 U। तो ये जो है अमोनिया का मास हो जाएगा। आई होप आप इसको अब समझ गए होंगे और मॉलिकुलर मास आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला मास। अब मॉलिकुलर मास और फॉर्मूला मास में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये। तो फॉर्मूला मास का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो कुछ आपके मॉलिकुलर मास में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है, NaCl जो आपका कॉमन नमक है उसकी अगर हम बात करें तो NaCl का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ इस तरह का एक सॉलिड में आपका स्ट्रक्चर बना रहता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन एटम क्या है, जिसमें आपका ये सोडियम का जो आयन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और सराउंडेड है आपके किससे, क्लोरीन के एटम से। ये क्या होता है, 6 क्लोरीन एटम से क्या होता है, आपस में सराउंडेड होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे NaCl के फॉर्म में ऐसे नहीं निकलता मिलता है आपको, NaCl मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट के फॉर्म में मिलता है जिसका स्ट्रक्चर वहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे का जब हम मास निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास कहते हैं। तो पढ़ते हैं इसको, सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। डिस्क्रीट का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल फॉर्म में अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं कंसिस्ट करते। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में क्या है, वाटर का ही मॉलिक्यूल है, जैसे H2O होगा, फिर यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल होगा H2O, ठीक है, फिर यहाँ पे एक H2O का मॉलिक्यूल है। पर NaCl में ऐसा नहीं है, ठीक है, NaCl में आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो इससे आपने क्या समझा, जहाँ पे क्या है कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव यानी कि सोडियम आयन और यहाँ पे नेगेटिव जो क्लोराइड आयन है वो है, 3-डायमेंशनल नेटवर्क में क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं का जब हम मास निकालते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास कहते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया जिसमें आपका सोडियम का, एक सोडियम का जो एटम है वो क्या है, 6 क्लोरीन के एटम से क्या होता है, सराउंडेड होता है और आपका एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह के आप जब इनका मास निकालते हो तो उसको हम फॉर्मूला मास कहते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर मास। दिखने में तो मॉलिक्यूल ही लग रहा है कि NaCl है, पर ऐसा नहीं है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक फॉर्मूला यूनिट की तरह है, ठीक है। तो इसमें अगर आप मास निकालते हो तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। क्या है कि सोडियम का क्लोराइड किससे बना है, एक सोडियम और एक क्लोराइड से बना है। तो एटॉमिक मास ऑफ क्या पता होना चाहिए आपको, सोडियम का पता होना चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने को पता होना चाहिए क्या कि सोडियम का मास क्या है। तो सोडियम का जो मास होता है, एटॉमिक मास है 23 और क्लोरीन का अभी हमने जस्ट निकाला था 35.5 होता है। ऐड अप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 58.5 यू हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला मास हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो अभी हमने बात की है इसी को थोड़ा सा समझते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप कर पा रहे हो अभी तक जितना भी आपने सीखा, अगर आप इसको कर पा रहे हो तो ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट करके नीचे मुझे बताना। तो ये आपका हो गया छोटा सा होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क में ये पोटेशियम सल्फेट है, ऐसे नाम लिख दिया तो फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी तो आगे की कहानी लिख पाओगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेशियम का, ये मैं आपको हिंट दे दे रही हूँ, क्या हो जाएगा, K2SO4। अब इसका आपको क्या निकालना है, मॉलिकुलर मास निकालना है। और नेक्स्ट जो नाम दिया है वो है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Na2 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 .10H2O, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क करना है और
कमेंट डाउन करके आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा और अच्छे से जाना होगा और इसके प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होगे और जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है वो ज़रूर आप करके लाओगे. तो आज के लिए बस इतना, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन गो टू दिस साइट, विजिट दिस साइट, यू कैन विजिट दिस साइट एंड कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन. सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर एंड स्टे वेल.